इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कोरोना संक्रमित हो गए हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के तारकिशोर प्रसाद यानी उप मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दिवसीय बिहार दौरा है और इस बिहार दौरे के ठीक पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे तारकिशोर प्रसाद, उनके साथ मंच साझा करने वाले थे तारकिशोर प्रसाद, लेकिन अब तारकिशोर प्रसाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा नहीं कर पाएंगे, कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने इस खबर की पुष्टि की, इस बात की पुष्टि की, उन्होंने कहा है कि वो कोरोना से पॉजिटिव हुए हैं। हालांकि कोरोना के कोई लक्षण उनके अंदर नहीं दिख रहा है, लेकिन वो अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं और अब जो प्रिकॉशंस है उसको अपनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में नहीं शामिल होने का अफसोस तारकिशोर प्रसाद ने जताया है और उन्होंने कार्यक्रम की सफलता के लिए बधाई भी दी है। तो बड़ी खबर और बड़ी जानकारी NBC 24 के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं और बता रहे हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो बड़ी जानकारी हम आप तक शेयर कर रहे हैं NBC 24 माध्यम से। आपको बता दें चले कि आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में होना है और 5:20 पर नरेंद्र मोदी पटना पहुंचेंगे और तमाम NDA घटक दल के सभी लोग इसकी तैयारियों में थे। और इसी बीच जो बड़ी खबर और बड़ी जानकारी है, तारकिशोर प्रसाद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। बिहार में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। पिछले ही सप्ताह में बिहार के शिक्षा मंत्री की खबरें आई थी कि बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि जनता दरबार कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे, जिसके बाद एक सोमवार जनता दरबार कार्यक्रम नहीं लगा था, उसके बाद अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में वो शामिल नहीं होंगे और जिस तरीके से बिहार में कोरोना के रफ्तार पकड़ी है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये काफ़ी चिंता का विषय है। आपको बता दें कि 24 घंटे में कुल 344 नए संक्रमित पाए गए हैं। इस लिस्ट में पटना एक बार फिर टॉप पर है, यह सर्वाधिक 167 मरीज पाए गए हैं। वहीं अगर स्वस्थ मरीजों की बातचीत करें तो 24 घंटे में 75 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही सूबे में अब कुल सक्रिय मामला बढ़कर 2,270 हो गई है और आज तारकिशोर प्रसाद जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। बहरहाल आप जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में, तमाम अपडेट्स लगातार हम आप तक शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।